हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज़्ज़त में बताने जा रहे हैं चिकन पिज्ज़ा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। हम 2 कप्स मैदा लेंगे, यानी 250 ग्राम मैदा ये। ठीक है, इसके इसमें हम कभी भी हम जब डो बनाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, एकदम वार्म वाटर लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात होती है कि हम जब डो बनाते तो हमको एकदम वार्म वाटर, हॉट वाटर भी नहीं लेना है। और 2 टीस्पून यीस्ट डाल दिया। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आपको मिक्स हर्ब्स डालना है या नहीं। मैं मिक्स हर्ब्स वाला इसका बेस बना रही हूँ, पिज्ज़ा बेस ये डो में, तो मैं 2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स भी डाल रही हूँ। इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं किया का मिक्स हर्ब्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अभी हमने ये डाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, लुक वार्म वाटर से थोड़ा इसको मिक्स कर देंगे, पानी डालेंगे, एकदम लुक वार्म वाटर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा हम इसको मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट डालेंगे और 1 टीस्पून जितनी शुगर डाल देंगे। ठीक है, ये देखो 1 टीस्पून हमने शुगर डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मगर हमको बहुत ज़्यादा पतला डो नहीं चाहिए। ठीक है, हम इसको अपने हाथों से मल लेते। हमारा इंस्टेंट ईस्ट था, आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी शॉप वाले के वहाँ। अभी बिल्कुल भी हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा सूखा आटा नीचे है, देखो वो। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल देंगे, ऑलिव ऑयल, और इसको थोड़ा और थोड़ा मिक्स करेंगे। और इसको अभी कवर करके हम रख देंगे कम से कम। इसको अभी ये बारिश का मौसम है तो हमको कम से कम 1 घंटा तो लगेगा इसको राइज होने के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है हमको, कवर करके रखते हैं और अभी आगे आपको बताते हैं। ठीक है, हम इसको एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ गर्म है। सबसे बेस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि ओवन में मैं रखती हूँ। अगर आपके पास ओवन है तो इसको ओवन में रख देना है हमको, और 1/2 आवर के बाद देखना है। और अगर नहीं है तो 1 आवर के बाद तो इंशाल्लाह रहमान हो ही जाएगा ये। अभी हम चिकन पिज्ज़ा बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मैंने 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन लियो और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लियो। ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून मैं हल्दी डालूंगी। ठीक है, सब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मैरिनेट कर देंगे। सब कुछ हम डालते जाएंगे, नमक हसबे ज़रूरत डालेंगे, जीरा पाउडर और हल्दी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक 5-10 मिनट्स हम रखेंगे इसको। अभी हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना ही ऑयल डालेंगे हम, और इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे। ठीक है, 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। ठीक है, देखो इसमें कितना सारा पानी छूट गया चिकन के अंदर। ठीक है, हम इसको लो फ्लेम पे ही रखेंगे ताकि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। और एक दो मिनट और हम रखेंगे, ये ड्राई हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए आप, कितना ज़रा भी ऑयल इसमें बीच में नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको बिल्कुल भी ऑयल नहीं चाहिए। हमको पिज्ज़ा पे डालना है चिकन, तो एकदम ड्राई चाहिए। देखो अभी हम हमारा आटा देखते हैं, देखो डबल साइज हो चुका है। इसको हम पंच आउट करेंगे, कितना फर्मेट हो गया देखें। उसको हम फिर से नॉर्मल साइज़ में लाएंगे। और अभी हमको क्या चाहिए, मोज़रेला चीज़ ली हूँ, टमाटो केचप ली हूँ, कैप्सिकम ली हूँ, और मुझे होममेड में पिज़्ज़ा सॉस ले रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी आप मुझे मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ तो ली थी, यहाँ पर प्रोसेस चीज़ ली हूँ। यहाँ पर मैंने हैलोपिनो ली हूँ, हैलोपिनो पेपर्स ली हूँ रेडीमेड,
चिली फ्लेक्स ली हूँ, ठीक है। अभी हम आटे को टू पार्ट्स में ये कर देते हैं, और सबसे पहले हम थोड़ा ऑयल डालेंगे ट्रे में और इसको प्रेस करके, अगर ऐसा नहीं हो तो आप बेलकर बनाना अगर आपको नहीं जमे तो, ठीक है। ये देखो, हमको जितना थिन चाहिए क्रस्ट बेस हम उतना थिन बना सकते हैं, या हमको जितना थिक चाहिए वो हम हमारे मर्जी से बना सकते हैं। अब देख रहे हैं कितना अच्छे से बेस बन चुका है। ये देखें, हम फोक लेंगे, फोक से उसको ऐसा प्रिक करेंगे, ठीक है, सब पूरे बेस पे, और इसको थोड़ी देर हम साइड में रख देंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि किधर से, देखो मेरा थोड़ा यहाँ से थीन है तो मैं यहाँ पर अपने हाथों से फैला रही हूँ। ये देखो, अभी आपको दूसरा मैं और बना के बता दूँ, इसको हम अभी साइड में कर देंगे पूरा फोक से प्रिक करके। ये जो दूसरा था हम दो पार्ट में हमने करे थे, अब इसको हम बेल के आपको बता रहे हैं। हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि आप हाथ से भी कर सकते हैं और आप इसको रोलिंग पिन से भी बेल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये देखो आपको कितना इसमें थिन और थिक चाहिए वो आपको अपने हिसाब से करना है। ठीक है, को भी हम फोक से प्रिक कर देंगे, ठीक है, ताकि फूले नहीं। अभी हम एक ओवन में बना रहे हैं और एक यहाँ पर मैंने स्टीम के लिए पॉट रख दियो, इसको कवर करके एक इसमें बनाएंगे। सबसे पहले हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, ठीक है, आपकी ये भी आपके ऊपर है कि आपको कितना लगाना है, वो हिसाब से लगाना है आपको। किसी के इधर ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी के इधर कम पसंद करते हैं, और इसकी रेसिपी मैंने डाल चुकी हूँ, मैंने आपको बताई हूँ, आप वहाँ से रेसिपी ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज़ मिलते रहेंगी, और वाकई में मेरा चैनल अच्छा है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए। देखिए हम ये लगा दिए, अब इसको दो मिनट के लिए हम साइड में कर देते हैं। इससे पहले टमेटोज़ डाल देंगे, ठीक है, सारे टमेटोज़ मैं डालती हूँ और आगे आपको बता। मैंने शिमला मिर्ची को थोड़ा सौते करी हूँ, ठीक है, थोड़ा सी सॉल्ट डालकर। तो हम ये शिमला मिर्ची थोड़ी डाल देंगे इसके ऊपर, ग्रीन बेल पेपर, इसमें हम थोड़े से हैलोपिनो डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालें, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से फिलिंग, कॉर्न डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऑनियंस डाल सकते हैं, ठीक है, डालकर डालूँगी। हमने मिक्स हर्ब्स तो पहले से ही डाल चुके हैं, आटे के अंदर ही डाल दिए थे, इसके अंदर थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स इसके ऊपर हम डालेंगे। अब इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे, ठीक है, सारी चिकन हम डाल देंगे इसके ऊपर, दोनों पिज़्ज़ा पर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमारा चिकन पिज़्ज़ा है तो हम थोड़ी चिकन ज़्यादा डालेंगे, हमने वेजेस बहुत ज़्यादा नहीं डाले, ठीक है, सारे चिकन डाल दिया। और हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस चीज़ है वो हम साइड में डालेंगे, इससे क्या होता है कि जब ये पकता है ना तो ये चीज़ बाहर नहीं गिरती है, और ये जो मोज़रेला चीज़ है वो क्या होता है कि वो फ्लो हो जाती है, ओवरफ्लो होती है। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि हम प्रोसेस चीज़ साइड में डालते हैं, मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, और मोज़रेला चीज़ मैं बीच में डालती हूँ। ये देखो, देखिए
हमको चीज़ अच्छा डालना है, क्योंकि बच्चे बड़े हर कोई चीज़ बहुत पसंद करता है, और पिज़्ज़ा में अगर चीज़ नहीं है तो फिर पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं लगता है। ये देखो बीच में हमने मोज़रेला डाल दिया, और इसके ऊपर थोड़ी सी और चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे। अभी हम इसको बेक करने, पहले हम बेक के लिए डाल देते हैं। देखो मैंने ओवन प्रीहीट कर लियो, मेरा हॉट ब्लास्ट है उस पर मैंने डाल दिया 9-10 मिनट्स के लिए, आगे आपको बताती हूँ। देखो ठीक है, 10 मिनट्स के लिए मैंने डाली हूँ 180 सेल्सियस पर। ये पिज़्ज़ा में भी हमने सेम प्रोसीजर करे जो आपको पहले पिज़्ज़ा में बताया, अब मगर सिर्फ हम इसको पॉट में बना रहे हैं। देखो इस अच्छे से स्टीम हो चुकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। और इसको कवर कर देंगे, अभी आपको 12 मिनट बाद हम इसको बताएंगे। ठीक है, हमने नीचे कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ स्टीम पे हम इसको पका रहे हैं भाप में। 12 मिनट बाद आपको इधर बताते हैं, और उधर हमने 10 मिनट्स के लिए रखे, और इधर 12 मिनट्स के लिए के बाद हम बताएंगे आपको। देखो 10 मिनट्स लगाएंगे, थोड़ा हम इसको ठंडा होने देंगे, कि मैंने इसको फुल फ्लेम पे रखी थी 5 मिनट्स के लिए, अभी मैं इसकी फ्लेम लो कर रही हूँ। ये देखो हम अच्छे से इसको कट करते, ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा बन चुका है। देखें आपने ना, ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अभी हम इसको आपको सर्व करके बताते हैं। अभी हम दूसरा पिज़्ज़ा भी देख रहे हैं, उसको 12-13 मिनट्स हो चुके हैं, अभी हम वो पिज़्ज़ा निकालते हैं। ये देखो 13 मिनट्स हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त बना है। अभी हमने इसके नीचे ना सॉल्ट रखे थे, कोई चीज़ नहीं रखे थे, सिर्फ हमने इसको स्टीम में बनाए। ठीक है, जिसके पास ओवन नहीं है वो भी आराम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मेरा ये था कि मैं थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं, इसके बाद आपको कट करके बता। अभी हमने जो स्टीम में पका है पिज़्ज़ा, वो भी हम अभी कट कर रहे हैं आपके सामने। ये देखो आपको पूरा कट करके मैं अभी बताती हूँ। देखो हमने इसको कट कर चुके हैं, जो हमने ओवन में बनाए थे उसी के साथ हम ये इसको भी रख सर्व करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों भी डिफरेंट, कितना अच्छा, इसका चीज़ ज़रा भी लाल नहीं हुई, उल्टा ओवन में हमारा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, मगर हमने जो स्टोव पे गैस पे पका है स्टीम में वो एकदम। ये देखो दोनों पिज़्ज़ा देखो आप लोग, साथ में बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो देखें दोनों पिज़्ज़ा, एक हमारा ओवन में बना हुआ और एक हमारा स्टीम में बना हुआ। आप लोग भी ज़रूर ऐसा बनाना और मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़। ये देखो इसके पीसेस।